मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बलिए अरे मार्च भाई तक स्क्रिप्ट नहीं गई क्या? वाह क्या सीन है। हीरो गेम में विराट भाई अपने हीरो को सेट कर रहे थे। सरफराज भाई गार्डन में घूम रहे थे शायद। मैं घर पे अकेली हूँ तो गेट ठीक से लॉक कर देना। वाह मुझे लग रहा है और ऋषभ भाई गेट बाहर से लॉक कराए। अरे ऋषभ भाई कोई कुछ नहीं होता, मैं छोड़ूंगा, आप मत जाना गाड़ी चला के। अच्छा आईपीएल देख रहे हो इस बार? हाँ। अच्छा तो आपके हिसाब से इस आईपीएल में सबसे बेस्ट फिनिशर कौन है? अरे अपना वो रिंकी सिंह। अरे रोहित भाई, अरे कैसे हो रोहित भाई? तू साले हार्दिक काम कुम तेरे से कुछ होता नहीं है, कैप्टनसी करेगा और अंतर से बनते नहीं है, कुछ कर भाई, मेरे दिमाग में खराब कर, तेरे कितनी बार कहा मैंने, तू जा अपना काम कर और फिर से मेरे को हाथ लगाया तो पीट दूंगा तेरे हार्दिक को भी और तेरे पंड्या को भी। पूरा दिन वेट करो कि रात को आईपीएल है, विराट कोहली को देखने को मिलेगा, आरसीबी का मैच है आज, आरसीबी जीतेगी आज, रन मारेंगे, बहुत मजा आएगा। और रात को सिर्फ विराट कोहली ही खेलता है, बाकी सब कहीं ना कहीं हक देते हैं। हम आरसीबी वाले हैं यार दोस्तों, तुम हमारा दर्द क्या ही समझोगे। आप मुंबई नहीं जा रहे, आप मुंबई इंडियंस की कैप्टेंसी में आ रहे हैं। स्टार्ट करो। मम्मी हमेशा एक ही चीज करती है कि इस दुनिया में या इस जीव में हम आए थे खाली हाथ और जाएंगे खाली हाथ। भाई दुनिया खाली हाथ आई थी, अंबानी खाली हाथ आए थे, फिर हम तो आए नहीं थे इस दुनिया में। पूरी दुनिया खाली हाथ आई थी, पूरी दुनिया खाली हाथ जाएगी, अंबानी खाली हाथ तो कभी नहीं आए थे और ना कभी आएंगे आगे भी। जाने का मेरे को प्रोसीजर नहीं पता, बट इतना पता है और कोई हो ना हो अंबानी खाली हाथ तो नहीं आए थे। बट एमआई में गुड कैप्टन भी लिख सकते थे। भाई तभी हेट मत करो यार किसी को, भाई हेट इतना भी नहीं करना चाहिए भाई, तो उसमें उसकी क्या गलती है भाई उसमें अब। और भाई भूलो मत, जो भी हुआ जैसे भी हुआ वही एक प्लेयर था जो विराट कोहली के साथ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में खड़ा था, वरना वो मैच हम नहीं जीतते। वही प्लेयर था जिसने इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में अच्छे मतलब अच्छे रन मारे थे, वरना वहाँ पे भी बहुत गंदे मार्जिन से इंडिया हारती जब जडेजा ने हार्दिक को रन आउट करवाया था। बहुत क्रूशल मैचेस में भी हार्दिक पांड्या ने अपना रोल निभाया है, बट ये भाई वो बंदा किसी को रिप्लाई नहीं कर रहा, वो अपने काम से काम रखा है इतना हेट मिलने के बावजूद, वो सोचो कितना मेंटली स्ट्रांग हो गया। अब तो रोहित शर्मा ने ये बोल दिया बस कर जाओ, इतना भी मत करो भाई। हार्दिक पांड्या आई लव यू। डेफिनेटली
और डेफिनेटली इतने पैसे होते ही नहीं है, बट आवर बॉयज प्लेड वेल। ओ जियो धनधनाधन, ओ जियो धनधनाधन, ओ जियो धनधनाधन, ओ जियो धनधनाधन, ओ ओ ला 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 ला, ओ ला 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 ले, 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 ओ जियो धनधनाधन, ओ जियो धनधनाधन, ओ जियो धनधनाधन, ओ जियो धनधनाधन। Bro didn't even hesitate. Bro should hesitate and might find a new job. बोले जो कोई है। आपके पीछे कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं है ना? इसी तरह परफॉर्म करते रहोगे तो जिंदगी की रेस में सबसे आगे जाओगे, पीछे कोई नहीं होगा। ऑल द बेस्ट। तो नहीं, आपके पीछे कौन है? कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि सब आगे निकल गए। कौन समझेगा हमारा दर्द आरसीबी वालों का, एक ही रिकॉर्ड था वो भी छीन लिया हमसे। हाँ जी, इतना ही था आज की वीडियो के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने यहाँ तक देखी है तो। बाकी जितने मर्जी मीम बना लो, जो मर्जी कर लो, जितना आरसीबी नहीं है इस बार, ईसा लकप नमदे, ईसा लकप नमदू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।